के बाबरकत और बुरफजल्लाम में आपकी खिदमत में सलाम। मैं आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज का मेरा मौजू है कि हमें अपनी ज़िंदगी की बुनियाद एक मजबूत चट्टान पर बनानी है। बिल्ड योर लाइफ ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन। और इसके लिए हम अगर अपने माशरे में देखते हैं तो जब कोई भी शख्स अपना घर बनाता है तो उस घर की बुनियाद आपको ये बता देती है कि यह घर कितना मजबूत होगा, और घर की बुनियाद आपको ये भी बता देती है कि आपका घर कितना बड़ा होगा। कोई भी मजबूत घर किसी भी कमजोर बुनियाद पर नहीं बनाया जाता। और हकीकत में अगर ऐसा हो भी जाए कि घर को एक बड़ा घर कमजोर बुनियाद पर बनाया जाए तो वो घिर जाता है। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर आप अपनी जिंदगी का कोई बड़ा काम करना चाहते हैं और वो अगर कमजोर बुनियाद पे किया जाए तो वो घिर जाता है। इसी तरह हमारे इंसानी जिंदगियों में खुदा भी ऐसा काम करना चाहता है, कोई बड़ा काम करना चाहता है अपने जलाल के लिए, ताकि उससे यीशु का जलाल दिखे, तो वो ये चाहता है कि वो मजबूत बुनियाद पर काम करे। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि खुदा के काम के लिए हम अपनी जिंदगी की बुनियाद एक मजबूत चट्टान पर रखें। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा हमेशा ये चाहता है कि वो एक मजबूत चट्टान, एक मजबूत बुनियाद पर काम करे, क्योंकि वो कमजोर और नाकस बुनियाद पर काम नहीं कर सकता। और उसके लिए खुदा ने हमें एक बरकत दे रखी है। हम अगर अपने माशरे में मुख्तलिफ लोगों को देखें तो उनकी जो बुनियाद है वो मुख्तलिफ चीज़ों पर होती है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों की बुनियाद उनकी मशहूर सकाफत पर होती है, और वो अपनी सकाफत को बड़ा मजबूती से थामे रखते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारी बुनियाद हमारी सकाफत है। और उनके ख्याल में जो कुछ हमारे बुजुर्ग एक सकाफती लिहाज से करते आ रहे हैं, हमें भी दूसरों की तरह वैसा ही करना चाहिए। इसके बरक्स अगर आप कुछ और लोगों को देखें तो उनकी बुनियाद उनकी रवायत पर होती है। वो अपनी रवायात पर, अपने ट्रेडिशंस पर अपनी बुनियाद रखते हैं, अपनी जिंदगी की बुनियाद रखते हैं, अपने खानदानों की बुनियाद रखते हैं। और आम फहम में अगर अपने माशरे में देखा जाए तो अक्सर कहा जाता है कि ये हमारे पुरखों की रवायात है, हमारे बुजुर्ग माँ बाप, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो इन रवायात को फॉलो कर रहे हैं, इनकी पैरवी कर रहे हैं, हम भी इसको पैरवी करना पसंद करेंगे। किसी हद तक देखा जाए तो हमारी जो रवायात हैं वो हमारे लिए बड़ी मानी रखती हैं, और वो बाज़ औक़ात हमारे लिए मददगार भी साबित होती हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि कोई भी रवायत कभी भी एक जैसी नहीं रहती, बल्कि इसमें बदलाव आता रहता है। ये ऑब्सोलीट हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, या ये इस्तेमाल में नहीं रहती, इनको बदल दिया जाता है। ये मतरूक हो जाती हैं, मनसूख हो जाती हैं, या ये बाज़ुकात हमारी जिंदगियों से खारिज हो जाती हैं और गैर मरवज हो जाती हैं, या ये अपाहज हो जाती हैं आप कह सकते हैं, या लाचार या किसी वक्त बेवक़्त हो जाती हैं, ये इनवैलिड हो जाती हैं। और इसलिए हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम इन चीजों को समझे, अंडरस्टैंड करें। खुदावंद यीशु मसीह ने मरकस की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान उसके सातवें बाप और आठवीं आयत में जब फरीसियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने बात की तो उन्होंने फरमाया कि तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमी की रवायत को कायम रखते हो। और बाज़ औक़ात बिल्कुल ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगियों में खुदा के कलाम के निस्बत अपनी रवायात को ज्यादा तरजीह देते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी दलील या अपनी रीजन पर वो अपनी बुनियाद रख छोड़ते हैं। और बेशक खुदा ने हमें शऊर दिया, हम अशरफ अल मखलूकात हैं और हमें शऊर दिया गया है,
लेकिन हमारे लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी रीजंस को, अपनी दलीलों को इस्तेमाल करें, लेकिन वो दलीलें मुनासिब होनी चाहिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में इम्साल की किताब में यूं मरकूम है उसके 16वें बाब और 25वीं आयत में, ऐसी राबी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राय है। कुछ लोग अपनी बुनियाद अपने जज्बात पर, अपने इमोशंस पर रखते हैं और वो समझते हैं कि जैसा मैं महसूस करता हूं, अगर मुझे कुछ करने में बेहतर महसूस होता है तो मैं वही काम करूं। मगर अजीजों, बहुत दफा हमारे जज्बात हमें धोखा दे जाते हैं और जब हमारी जिंदगी में ऐसा होता है तो हकीकत में हम दूसरों के निस्बत अपने आप से सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे होते हैं। तो मेरे अजीजों, आपकी बुनियाद किस चीज पर है? आपकी रवायत पर, आपकी सकाफत पर, आपकी दलील पर या आपके जज्बात पर? क्योंकि इंसानी माशरे में अगर देखा जाए तो ये चारों की चारों जो मैंने बातें आपसे शेयर की हैं ये मजबूत नहीं है। लेकिन आज मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है, खुशखबरी है, और मैं चाहता हूं कि वो मैं खुशखबरी आप तक लेकर आऊं। और अजीजों, वो खुशखबरी कुछ यूं है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने मत्ती के मार्फत लिखे गए इंजीली बयान में कुछ यूं फरमाया उसके 7वें बाब में, और उन्होंने कुछ यूं फरमाते हुए वहां पर लिखा, उन्होंने कहा, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अकलमंद आदमी की मानद है, उस अकलमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बना लिया और मी बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उसके घर को टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और फिर आप इसके साथ आगे ये भी फरमा देते हैं, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानत ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मी बरसा और पानी चढ़ा, आंधियां चली और उसके घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि आपकी सकाफत, आपकी रवायत या आपकी दलील आपका सबब बनाना किसी बात को या आपके जज्बात एक ऐसी रेत है, अगर इस पर आप अपनी जिंदगी बनाएंगे, जिंदगी की बुनियाद आप इस पर रखेंगे तो एक दिन ये धड़ाम से गिर जाएगा। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप अपनी बुनियाद खुदावंद यीशु नासरी पर रखें और उसके कलाम को पढ़ें, क्योंकि ये चीजें तब्दील हो सकती हैं लेकिन खुदा का कलाम ला तब्दील है, वो नहीं बदल सकता। और आप जब अपनी बुनियाद खुदा के कलाम पर, खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर रखेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने नाम के जलाल की खातिर आपको इस्तेमाल करे। खुदा हाफिज़।